तो फाइनली दोस्तों स्वागत करता हूं हमारे चैनल रवि चौधरी तेरी मेरी बातें और आप देख रहे हैं तेरी मेरी बातें। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, करूंगा बड़े खुल्ला से। जैसा कि कवर पेज को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज मैं गदर 2 के बारे में नई अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों कुछ असामाजिक तत्व के लोग ये कह रहे हैं कि गदर 2 भैया लाइफ टाइम सिर्फ इतना ही कमाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए, करूंगा बड़े खुल्ला से। चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आज बताऊंगा दोस्तों गदर 2 की सारी अपडेट से, और वैसे भी मैंने गदर 2 पे बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज की वीडियो कुछ ज्यादा हटके होगी, अलग होगी, नई अपडेट होगी। के भैया बोलते हैं कि भैया गदर 2 फिल्म 15 करोड़ से ऊपर नहीं कमाएगी। लाइफ टाइम बिजनेस है गदर 2 का 15 करोड़। दोस्तों क्या हमारे इस हिंदुस्तान में, भारत में जो गदर फिल्म आई थी तो इस फिल्म ने वो इतिहास रच दिया था कि अगर उस टाइम की बात करूं तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे 5000 करोड़ आज का वैल्यूशन होता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ 15 करोड़ ही कमाएगी, लाइफ टाइम बिजनेस 15 करोड़। दोस्तों हमें ऐसा करना है कि ये फिल्म 15 करोड़ तो सिर्फ एडवांस बुकिंग में ही पहले दिन कमा ले, जिस दिन इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो जाए। हमें गदर 2 को दोस्तों सपोर्ट करना है, और सपोर्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि ये फिल्म हिंदू मुस्लिम की फिल्म नहीं। दोस्तों गदर 2 फिल्म आतंकवादियों के खिलाफ ये फिल्म होने वाली है, एक प्रेम कहानी होने वाली है। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बीच में नफरत थी, दोस्तों जैसा कि आपको पता है गदर फिल्म के अंदर प्यार की परिभाषा दिखाई है सनी देओल ने, जैसा कि आपने मेरी एक पब्लिक रिएक्शन से वीडियो देखी थी दोस्तों, और उसमें आपने भर भर के प्यार दिया, भर भर के कमेंट किया। उस वीडियो से मुझे बहुत प्यार मिला। मैंने जब इंडिया गेट पर सर्वे किया था गदर 2 फिल्म का लेकर, फैंस लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड इस फिल्म को लेकर, कह रहे भैया गदर 2 को उतना ही प्यार देंगे जितना ये पठान को मिला है, पठान के रिकॉर्ड भी तोड़ेगी गदर 2, और गदर 2 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होने वाली है। दोस्तों ऐसे रिस्पांस आए थे मुझे, इतना प्यार मिला मुझे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग इस फिल्म का बायकॉट, कुछ असामाजिक तत्व के लोग कह रहे हैं कि भैया फिल्म 15 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी, लाइफ टाइम बिजनेस है। क्या आपको वाकई में लगता है कि फिल्म 15 करोड़ कमाएगी? बुक माई शो पे भी लगभग 36,000 का इंटरेस्ट शो हो रहा है, जबकि फिल्म को अभी 7 महीने बाकी है, और जैसे जैसे समय गुजरेगा दोस्तों पब्लिक का इंटरेस्ट बुक माई शो पर जरूर आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म का एनवायरमेंट सही नहीं है गदर 2 को रिलीज करने का, अनिल शर्मा ने बहुत बड़ी बेवकूफी की है इस फिल्म को रिलीज करने के लिए, वैसा माहौल नहीं है देश में। दोस्तों माहौल तो कश्मीर फाइल का भी नहीं था, लेकिन किसको पता था कि 7 करोड़ 8 करोड़ की फिल्म 350 करोड़ का कारोबार लेगी, क्योंकि फिल्म के अंदर सच्चाई थी। फिल्म के अंदर एक ऐसा प्रोपेगेंडा दिखाया गया था, कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा भी कहते हैं, गदर 2 को भी प्रोपेगेंडा का नाम दिया जा रहा है। गदर 2 की एक हाल में ही एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उदित नारायण जी और मिथुन कंपोजर जो है मिलकर एक गदर 2 का एक नया सॉन्ग पे काम कर रहे हैं। गदर 2 के दोस्तों जैसा आपको पता है कि उड़ जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके, ये ऐसे सॉन्ग है, एपिक सॉन्ग है दोस्तों, और जुबिन नौटियाल की आवाज तो है ही है, एक नए वर्जन में सॉन्ग को पेश किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें उदित नारायण जी भी एक नए वर्जन में शो होंगे। गदर 2 का सॉन्ग जल्द ही आने वाला है दोस्तों, और तो और अनिल शर्मा की अपडेट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म का जो टीजर है दोस्तों अप्रैल में आएगा, और ट्रेलर कम से कम मई में ट्रेलर इसका आना है मई जून के आसपास। टीजर से पहले 2 टीजर आएंगे, उससे पहले 1 सॉन्ग रिलीज होगा जो कि ये सॉन्ग ही दोस्तों आग लगा देगा। क्या आपको लगता है कि गदर 2 फिल्म दोस्तों 2023 की वो फिल्म होने वाली है जो पठान, भाईजान, टाइगर 3 और जवान जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है? दोस्तों आपके क्या विचार है? क्या आप वाकई में सनी देओल के फैंस हैं और गदर 2 को सपोर्ट करते हैं? तो दोस्तों लाइक करो यार, जब तक आप लाइक नहीं करोगे लोगों तक ये वीडियो तक नहीं पहुंचेगी, कमेंट करोगे तब तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगी। तो कमेंट लाइक करने का दोस्तों, तभी तो वीडियो शेयर होगी। दोस्तों अपना सपोर्ट करो यार, लिखो गदर 2 को हम सपोर्ट कर रहे हैं, लिखो दोस्तों, और अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देते रहो। नेक्स्ट वीडियो जरूर गदर 2 पे, एक भाई ने कहा था कि पब्लिक रिएक्शन दीजिए, दोस्तों पब्लिक रिएक्शन दूसरा आएगा गदर 2 को लेकर, मल्टीप्लेक्स की वीडियो आएगी आपके सामने। लाइक करो, कमेंट करो, भाई रवि चौधरी को प्यार देते रहो। जय हिंद, जय भारत।